यहाँ पर हम द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से हम अन्य क्वेश्चन भी हल करते हैं, जिस प्रकार से ये यहाँ पर द्विघात बहुपद से दो शून्य प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम यानी कि क्या था, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ रूट टू और वन बटे थ्री, और तीसरा ये हम करते रहेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं इसको शून्य का योगफल और इसको शून्य का गुणनफल के शून्य के, तो यहाँ पर शून्य का सोल सुर शून्य का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पर रूट टू, अब यहाँ पर तो रूट टू ही है, तो हमें तो यहाँ ए का मान कहाँ से दिया गया है, तो हम इसको यहीं डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और कुछ गैप दे देते हैं, उसके बाद हम शून्यों का गुणनफल से हम आंसर ज्ञात करें। क्यों, यहाँ पर तो ए बटे बी है और यहाँ पर तो टू दिया गया है, हम मन से कर नहीं सकते कि ये टू बी का मान है कि ये टू रूट टू ए का मान है, तो हमें ये इसको यहीं पर छोड़ देते हैं और हम करते हैं शून्यों का योग गुणनफल। तो यहाँ पर गुणन शून्यों का गुणनखंड होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बटे ए, मतलब यहाँ पर होता है वन बटे थ्री। तो यहाँ पर थ्री तो यानी ए का मान कितना है, सी का मान कितना है वन, और ए का मान कितना है तीन, यानी यहाँ पर भी कितना होगा तीन, यानी हमने क्या किया तीन का भाग और इंटू तीन का गुणा, क्यों किया कि हम काटने पर आंसर यही आना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम ए का मान तो है बी का मान है माइनस बी बराबर थ्री इंटू रूट टू, तो यह माइनस इधर है तो उधर जाएगा क्या होगा बरा ए बरा बी बराबर माइनस का थ्री इंटू टू, तो यह हमारा ए बी सी का मान प्राप्त हो गया। अतः इसमें यहाँ यह लिखेंगे कि ए बी सी का मान हम द्विघात बहुपद में रखने पर इसमें इसमें तो अतः अतः ए बी और सी का मान द्विघात द्विघात बहुपद में रखने पर, यहाँ पर द्विघात बहुपद है ए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यानी ए का मान कितना है तीन, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है थ्री रूट टू, यहाँ पर थ्री रूट टू एक्स, और सी का मान हमें प्राप्त हुआ है वन, यहाँ हमारा सिर्फ अतः यह हमने सिद्ध किया द्विघात प्राप्त प्राप्त हुआ है कि थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, यह हमारी संख्या है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर इसका भी कर सकते हैं। अब इसके बटन किससे बी का मान किसे, तो शून्य का योगफल अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस बी बटे ए मतलब जीरो, तो इसका मान तो कितना होगा जीरो, यानी कि यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर दूसरे क्या है रूट टू यानी शून्य का गुणनखंड अल्फा प्लस ये अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटे ए मतलब रूट फाइव, तो हम यहाँ कर सकते हैं वन, तो ए सी का मान कितना हुआ रूट फाइव, और ए का मान कितना हुआ वन, और बी का मान कितना हुआ जीरो, तो हम इसके ए बी सी इस द्विघात बहुपद में रखेंगे, तो ए का मान तो है तो ये एक्स स्क्वायर, और बी का मान कितना है जीरो, तो ये जीरो एक्स, और सी का मान कितना है रूट फाइव, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ यानी जीरो का गुणा एक्स गुणा जीरो, तो यहाँ पर रूट फाइव यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन का। इसका मतलब है अतः जीरो और रूट टू दो शून्यों से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ समीकरण प्राप्त हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी कर सकते हैं वन इंटू वन यानी ए का मान कितना है, अगर दोनों के बटे में कुछ नहीं दिया गया है तो हम उसके बटे में एक एक मान रख सकते हैं, जिसे कि बी का मान यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे बी का मान माइनस
तो अब यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर बी अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा मतलब यहाँ पर सी माइनस बी बटे ए, तो हम क्या करेंगे प्लस है तो माइनस और माइनस होता है तो प्लस, तो यहाँ पर प्लस है तो बी बराबर कितना आया माइनस का वन, और ए का मान कितना आया वन, और सी का मान कितना है वन, और यहाँ यहाँ हमारे ए बी सी का मान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बराबर पर वन, तो यहाँ पर कर सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है माइनस का एक्स, और सी का मान है वन, यह हमारा दीघा इसका इसका मान हमें प्राप्त हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल है, जिस प्रकार से वन बटे फोर और माइनस का और वन बटे फोर यानी दो शून्य दिया गया है, यहाँ शून्यों का योगफल है और यहाँ शून्यों का गुणनफल, यहाँ शून्यों का योगफल, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और यहाँ पर होगा जिसे माइनस का वन बटे फोर, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी बी बराबर क्या है वन, और ए बराबर कितना है चार, और संयोगों का गुणनखंड, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर, तो यहाँ पर वन बटे फोर यानी सी का मान कितना है एक, और ए का मान तो हमें पता है चार, तो यहाँ ए बी और सी का मान दीगा भोपाल यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी में रखने पर तो ए का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, ए का मान हमें चार प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर हम चार रखें चार एक्स स्क्वायर, बी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, बी का मान वन प्राप्त हुआ, तो ये एक्स, और सी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, सी का मान हमें प्राप्त हुआ है वन, यहाँ वन यानी यहाँ पर प्राप्त हुआ है एक और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन, यह हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थैंक यू।